हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। लक्ष्मण, सीता, ताप राम है। राम, लक्ष्मण, सीता, हमार गांव में आए। ताप ही लोग राम, लक्ष्मण और सीता हैं, जेकरा राजा वन में भेज देले। सीता, राम, हाय रे दैया, कैसन कठोर बाड़न इनके माता पिता कि फूल जैसन बेटा और पतोहू के वन में भेज दिया लन। ना बहिन, हम स्वयं अपना इच्छा से ही वन में आयल बानी। केहू भी स्वयं वन में ना आवेला, ये सब होनी के खेल बा कुमार जी। आप जैसन वन में कष्ट भोगब तो फिर ब्रह्मा राजपाट केकरा खातिर बनेले हैं। आपके नंगा पैर देख के तो रोवाई आवाता, आप तो हमारा राजा हैं। हमसे कौनो भूल भइल होके तो क्षमा कर दी है, आप तो हमार रानी हैं। आज्ञा होके तो रास्ता में आपके चरणन के नीचे अपन हाथ रखत रखत आपके संगे संगे चली। ना भाई, हमरा खातिर शोक मत करी, हम लोगन के कौनो कष्ट नहीं किए। अब हमरा क्या आज्ञा दी है? आज्ञा अपन में कहवा ले जाए प्रभु, यह गाँव में रह जाए। ना भाई, चित्रकूट पहुँचे के बाद भारद्वाज मुनि कहले बानी कि वह स्थान उत्तम हुई, अब हमरा के वहां का रास्ता बतावे की कृपा करब। एहे में कृपा के का बात है प्रभु, हम लोग आपके संगे संगे आपके खातिर सेवा में चलब। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम बा, उनका से आज्ञा लेके हम आपके खातिर हुए कुटिया बना देव। हमार तो प्रभु आ गइलन, हम तो धन्य हो गए नी प्रभु। राम, आज आपके इला से वाल्मीकि के कुटिया पवित्र हो गई, आपके दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो गई बा। प्रभु अपन सेवक के बड़ाई कर रहा है, ये आपके विशेष अनुग्रह है, अन्यथा यह श्री चरण तक पहुंचल ही हमार सौभाग्य है। जिनकर शरण में आवत ही मनुष्य अपन आत्मा में बसल भगवान के स्पर्श अनुभव करे लागेला। और जानेला राम, हम यह समय का अनुभव कर रहा है जैसे भक्त और भगवान के मिलन हो रहा होके, जैसे भगवान स्वयं चल के भक्त के पास आ गए लोग। महात्मन, आप तो कवि हैं और कवि अपन कल्पना में स्वयं ही अपन भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकेला। कवि में इतना शक्ति होला कि भावना के बल से एक पत्थर के सजीव बना दे, फिर वो साधारण मनुष्य के भगवान के रूप में कल्पना कैल ओकरा खातिर कौन कठिन कार्य है। ये कल्पना ना हराम, जे मनुष्य के स्थिति हो जाला कि वो अपने भीतर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाला। एह गूढ़ रहस्य के उहे जान सकेला जेकरा तू जनवादा। सोई जानई जेही देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। और जे तुहके जान ले वो तोहरे में समा जाला। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति के पूर्ण शिखर हैं, जिनके कण कण में खाली अपन भगवान ही दिखाई दे रहल बाड़न। ऐसे आप हमरा जैसन एगो साधारण मानव के भी भगवान के संज्ञा दे रहल हैं। राम, आज ले जे चरित्र जे अद्भुत कार्य तू कैले बाड़न, ताड़का वध से लेके धनुष भंग और परशुराम के गर्व मर्दन तक, ओह से मन में विश्वास दृढ़ होत जा रहल बा कि तू यह लोक से परे कौनो दैवीय शक्ति, कौनो अवतारी पुरुष हुआ जे यह धरती पर धर्मात्मा लोगन के रक्षा खातिर और अधर्म के नाश खातिर अवतरित भइल बा। तू ही हमार काव्य के नायक बा राम। हम वास्तव में कौन हैं, हम कौना कारण से जन्म लेले हैं, ये हम कैसे जानी? ये तो आप जिसन त्रिकालदर्शी ही जान सकेला। हम तो खाली अपना आप के गुमानो समझी ले, ये दशरथ के बेटा है और जेकर नाम राम है, और ए समय हम अपना पिता के आज्ञा से अपन अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के संगे 14 बरिस के वनवास करे खातिर आए हैं। हम कोनो ऐसन स्थान पर ना रह चाहते हैं जहाँ हमरा रह से कोनो तपस्वी या साधक के साधना में विघ्न पड़े। आप विचार करके
हमरा कोनो ऐसन स्थान बतावे के कृपा करी जहाँ हम रह के अपन वनवास के दिन व्यतीत कर सकी। तू हमसे अपन रहे के स्थान पूछा तारा, पहले हमरा ये बतावा कि वो कौन ऐसा स्थान बा जहाँ तू नहीं खा। प्रभु ये गुड़ बात में हमरा के मत उलझाई। सेवक के चित्रकूट में एगो छोट सा स्थान प्रदान करे के अनुमति दी जहाँ हम रहे खातिर एगो छोटा सा कुटिया बना सकी। वैसे तो तुहार कुटिया हर भक्त के हृदय में बा, फिर भी सांसारिक रूप से पूछ रहल बाड़ा, ऋषिगण और मुनिगण से सेवित यह चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे आपन स्थान बनाला। पुण्य सलीला मंदाकिनी वास्तव में गंगा के ही एगो धारा है, जेकरा महर्षि अत्रि के तेजस्विनी पत्नी सती अनुसुईया अपन तपोबल से नील पर्वत पर लेके आयल हैं। इहवा के वन में रहे वालन कोल किरात बड़ा स्नेही और भक्त बाड़न, वो अपन राजा के तरह तोहार आदर करिए और कुटिया के निर्माण में तोहर सहायता करिए। जी आज्ञा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मधुर सरस अरु अति मन भा